अगस्त 15, 1969, यह वह दिन था जब दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में से एक इसरो की स्थापना हुई विक्रम साराभाई के द्वारा। मगर इसरो एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करता था जहां के लोग दुनिया को साइंटिफिक फैक्ट से ज़्यादा मैथोलॉजिकल वे में देखना पसंद करते थे। यही कारण है कि इसरो को अपनी बिगनिंग में उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला लोगों का। अगर हम अपने इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च की ही बात करें जिसे इंडियन साइंटिस्टों के द्वारा नवंबर 21, 1963 में लॉन्च किया गया था तिरुवनंतपुरम केरला से, तो उस समय इंडियन साइंटिस्टों के पास पैसे तक नहीं थे रॉकेट्स के पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उस समय के साइंटिस्टों ने रॉकेट्स के पार्ट को साइकिल्स और बैलगाड़ी में लाद कर केरला में लाकर लॉन्च किया था। इन सब के बाद आज के टाइम में इसरो के पास खुद का रॉकेट लॉन्चर पैड है जो कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास मौजूद हैं। इसरो के चंद्रयान 1 ने भी मून में वाटर डिस्कवर करके दिखा दिया जो कि इसरो की आज तक की कुछ सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है। किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसरो से पहले यह सक्सेस हासिल नहीं की थी। अगर हम अचीवमेंट की ही बात करें तो इसरो की मार्स ऑर्बिट मिशन को हम कैसे भूल सकते हैं जो इंडिया की फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन थी जिसे इसरो ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सक्सेसफुल करके दिखा दिया, जिसका बजट 450 करोड़ रुपीस था और यह 10 टाइम्स ज़्यादा लोअर था नासा के मार्स ऑर्बिट मिशन से। इसरो के साइंटिस्टों ने अपनी मेहनत से इसरो को इतनी सारी अचीवमेंट दिलाने में कामयाब हुए और यही एक वजह है कि इसरो आज वर्ल्ड टॉप 10 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में गिना जाता है। इसरो अब अपनी अचीवमेंट की लिस्ट को और भी बढ़ाने जा रहा है इंडियन एस्ट्रोनॉमर को स्पेस में भेजकर 2022 में, जिस मिशन का नाम गगनयान मिशन है जिसकी डायरेक्टर वीआर ललितांबिका है जो कि इसरो में इंजीनियर और साइंटिस्ट के रूप में वर्क करती है। इस मिशन के तहत 4 इंडियन एस्ट्रोनॉमर को स्पेस में भेजा जाना है मगर कोविड-19 की वजह से यह मिशन डिले हो गया, मगर अभी भी इस मिशन पर काम चल रहा है। इसरो ने जुलाई 14, 2021 यानी कि वेडनेसडे को गगनयान मिशन में एक कदम और आगे बढ़ा लिया। असल में इसरो ने इस दिन गगनयान के इंजन का टेस्ट लिया जिसका नाम विकास इंजन लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट था, जिसे इंजन ने सक्सेसफुली पास कर लिया। इसमें इंजन को टेस्ट करने के लिए GSLV-MK3 रॉकेट में लगाया गया। इस टेस्ट को इंजन की क्षमता जांचने के लिए किया गया था। इस टेस्ट के सफल होने पर इलोन मस्क ने भी इसरो को बधाई दी है। इस टेस्ट में इंजन को 240 सेकंड तक चलाया गया था और इस इंजन ने सभी पॉसिबल कैलकुलेशन को कंप्लीट किया। इसके साथ अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छे से दी और गगनयान मिशन में जाने वाले 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने भी अपनी एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली रसिया में। उनकी ट्रेनिंग फरवरी 10, 2020 में शुरू हुई। उन्हें रसिया के सिटी ग्योगिनी जो कि रसिया के कैपिटल मॉस्को के आसपास है वहां उन्हें एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें गगननॉट्स के नाम से जाना जा रहा है। गगनयान मिशन पूरी तरह से मेड इन इंडिया। इसरो ने किसी भी अन्य देशों की मदद नहीं ली है गगनयान मिशन में। गगनयान प्रोजेक्ट को भी इंडियन गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस का फंड दिया है। इसरो गगनयान मिशन में 4 एस्ट्रोनॉमर को अर्थ से 400 किलोमीटर स्पेस में ट्रैवल करने को भेजेगा 7 डेज के लिए। अगर सभी चीज़ें सक्सेसफुल रही तो गगनयान मिशन के तहत 4 इंडियन एस्ट्रोनॉमर को आने वाले साल में स्पेस के 7 डेज के जर्नी पर भेज दिया जाएगा।